अब नेक्स्ट बच्चों हम कंपाउंड्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स हमें पता लग गया क्या होते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स से ही कंपाउंड बनते होते हैं। अ सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड। तो कंपाउंड किससे बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से, ठीक है ना। दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड बन रहे एलिमेंट से। और एलिमेंट आपको पता है कितने हैं नेचर में, 118 एलिमेंट्स मतलब डिस्कवर हो चुके हैं। 118 एलिमेंट, उनके वेरियस कम्बिनेशन से मिलियंस कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, जैसे एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट क्या थी, एटम थी, ऐसे ही कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मॉलिक्यूल होती है। कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, अगर आप If you break down a molecule of a compound, you will get atom of its constituent element. देखिए, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं। कंपाउंड किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से। आप किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना हुआ है, एलिमेंट से। यानी कि जिस भी मॉलिक्यूल को आप तोड़ना चाह रहे हैं, और जिस जब तोड़ लेते हैं तो जिस चीज़ से मॉलिक्यूल बने हुए हैं उनमें वो मिल जाते हैं। मॉलिक्यूल बना हुआ है बेटा एलिमेंट से, यानी कि आप मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो मॉलिक्यूल जिन एलिमेंट से मिलके मॉलिक्यूल बना था वो मिल जाएंगे हमें एलिमेंट्स। देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट को समझिए। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिक्स करते हैं तो वाटर बनता है किसी कंडीशन पे, ठीक है। अब वाटर जो है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, एंटायरली डिफरेंट होंगी किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि जो आपका मॉलिक्यूल या कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो डिफरेंट होगी किससे, जिससे वो मिलके बना हुआ। बस सिंपल सी बात। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस, हमने सब्सटेंस की डेफिनेशन देखी, फिर हमने कहा सब्सटेंस प्योर और मिक्सचर हो सकते हैं। प्योर में हमने पढ़ना था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि देखिए मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बन रहा है ना, इसलिए इम्प्योर हो गया। प्योर किसको बोलते हैं, केमिस्ट्री या साइंस की टर्म में प्योर वर्ड यूज़ होता है जो चीज़ एक ही तरह के एटम्स या एलिमेंट से मिलके बनी हो या कंपाउंड से मिलके बनी हो, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं हो, कोई भी दूसरा एलिमेंट या कंपाउंड ना हो। ओके, ए मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट एंड आर इन मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। ओके, तो ये चीज़ बता दी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि मिक्सचर, ये पॉइंट देखिए, मिक्सचर जिन भी चीज़ों से मिलके बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल दिया उनको, ठीक है ना। मिक्सचर जिस भी चीज़ से मिलके बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टी मिक्सचर के अंदर रिटेन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। देखिए कोई मिक्सचर है, ठीक है, तो वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना होगा, ठीक है। अब मुझे जो मिक्सचर है, जिन चीज़ों जो उनके अंदर चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अलग करना है, उन सब्सटेंसेस को मुझे अलग करना है जिससे मिक्सचर बना हुआ है। तो कोई भी फिज़िकल मेथड, सुटेबल फिज़िकल मेथड लगा के आप क्या कर सकते हैं, उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मड एक मिक्सचर है, किसका, मिट्टी और पानी का। आपने मिट्टी और पानी को अलग करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। फ़िल्टर पेपर लगा लो, घर पे भी करके देख सकते हैं। फ़िल्टर जो मिट्टी वाला पानी है उसको आपने फ़िल्टर पेपर से पास करा, तो जो सैंड है वो ऊपर रह जाएगी और पानी जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, तो दोनों अलग हो गए। ऐसे ही एक सेकेंड मेथड है इवेपोरेशन। आप इवेपोरेशन लगा के भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में क्या होता है कि सनलाइट की हेल्प से, या फिर सनलाइट तो नेचुरल हो गया, आप क्या कर सकते हैं, हीट दे के, मतलब उस सॉल्यूशन को बर्न करके हीटिंग देंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और मिट्टी जो है वो सेटल्ड, मतलब नीचे ही रहेगी, तो दोनों चीज़ें अलग हो गई ना। लेकिन इवेपोरेशन में जो वाटर है उसका लॉस हो गया, ठीक है ना, वो हमने कम्प्लीटली लॉस। तो इसीलिए फिल्ट्रेशन टेक्निक बढ़िया है अगर आपको दोनों चीज़ों को बचा के रखना है।